अस्सलाम वालेकुम। आज हम मस्जिद जराना की तरफ आए हैं और यहाँ पर दोबारा इहराम बांधकर उम्रे की नियत करके यहाँ से मक्कतुल मुकर्रमा जाएंगे। मस्जिद जराना तारीख का बहुत अहम और ज़रूरी हिस्सा है और हुजाज इकराम के लिए एक मीकात की हैसियत भी रखती है। मेरे दोस्तों, मस्जिद आयशा के बाद सबसे करीब पड़ने वाली मीकात मस्जिद जराना है। आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो मेरे साथ रहिए। अच्छा मेरे दोस्तों, ये है मस्जिद जराना। इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि आप सल्लम ने जब मक्का को फतह किया तो उसके बाद ताइफ को भी फतह किया। ताइफ फतह करने के बाद आप सल्लम यहाँ पर जब आए तो यहाँ से उन्होंने उम्रे के लिए एहराम बांधा। अब जो लोग पाकिस्तान वगैरह से आ जाते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि यहाँ आ जाते हैं और यहाँ से एहराम बांध लेते हैं। बाज़ रिवायत में ये भी आता है कि आप सल्लम ने आप सल्लम के अलावा तकरीबन 300 के करीब अंबिया इकराम ने भी यहाँ से एहराम बांध के उम्रे की नियत की है। I make it to his paradise, the home of my biggest friends to see you. ये हैं मस्जिद जोराना। यहाँ पे भी लोगों ने एहराम बांध कर यहाँ से दो रकात नफल पढ़ के फिर चले जाते हैं उम्रे के लिए। बराबर सी मुतवसित सी मस्जिद है, बल्कि यहाँ के मस्जिदों के अतबार से बिल्कुल छोटी सी है। कहते हैं तकरीबन 28 शवाल को आप सल्लम ने जब ताइफ को फतह किया तो उसके बाद यहाँ से उम्रे के लिए उन्होंने एहराम बांधी और फिर जाकर मक्का शरीफ में उम्रा किया और उसके बाद वापस यहाँ पर आए। तो इस नस्बत से अब यहाँ पर जो अहले मक्का आ जाते हैं तो इसके वो बड़ा उम्र कहते हैं और जो मस्जिद आयशा जाते हैं तो उसको वो छोटा उम्र कहते हैं। लेकिन इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, शरई तौर पे इसका कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही मीकात है और दोनों से आप उम्र कर सकते हैं और किसी भी मीकात को दूसरे मीकात पे कोई फजीलत हासिल नहीं है, जिस तरह के आम लोगों की क्या है सोच है उनका और उनका अकीदा बना हुआ है, ऐसी कोई सीन नहीं है। बल्कि जहाँ जिस भी मीकात से भी आप तनीम से मतलब मस्जिद आयशा से जाकर एहराम बांधे वो ज़रा फासला उसका कम है तो उसको लोग कहते हैं कि छोटा उम्र है, और ये चूँकि इसका फासला ज़्यादा है तो इसके लोग कहते हैं कि ये बड़ा उम्र है। लेकिन बाकी मीकात में कोई फ़र्क नहीं है, आप दोनों से एहराम बांध के आसानी से उम्र कर सकते हैं। खुसूसन जो लोग पाकिस्तान से आ जाते हैं ना या किसी और मुल्क से आ जाते हैं और दोबारा उम्र करते हैं तो दोबारा उम्र के लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी मीकात पे जाके दोबारा एहराम बांध कर उम्र की नियत करें। तो उनमें से अगर आप सबसे करीब तरीन मीकात पे जाना चाहते हैं तो वो है मस्जिद आयशा, और अगर आप उसके बाद वाले पर जाते हैं तो वो है जोराना। तो ये भी तकरीबन ताइफ हाईवे पे जब आप आते हैं तकरीबन 26 किलोमीटर बन जाता है, लेकिन जिस टैक्सी में हम आए हैं वो कहते हैं नहीं इसका फासला तकरीबन 35 किलोमीटर है। बहरहाल जितना भी है ये है मस्जिद जोराना। अच्छा यहाँ की एक और बात आप लोगों को बता दूँ कि बाज़ हज़रात कहते हैं
کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ لاٹھی ماری اور وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا، جس کو بیر جورانہ کہتے ہیں، لیکن یہ ایک روایت ہے، مزید ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. I dream of freedom, I dream of peace of mind, I dream of love, supernatural love, and everything I have makes me long for more. اچھا یہاں پہ وہ کنواں ہے جس کو ابھی یہ ٹیکسی والا کہہ رہا ہے کہ اس کو بند کیا ہوا ہے، کنویں کو جس پر لاٹھی مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے تھے، یہاں پہ پانی نکلا تھا، اس کے بارے میں یہی مشہور ہے. اچھا وہ یہ والا کنواں ہے جو کہ ابھی بند ہے. یہی کنواں ہے جس کو ابھی بند کیا ہوا ہے، یہ ہے نا. اچھا اچھا یہ واقعی بند ہے. چلے ٹھیک ہے حضرت، یہ ہے مسجد جورانہ جس سے آپ میقات احرام باندھ کے دوبارہ نیت کرتے ہیں.